आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फरुखाबाद में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर, अवैध अस्पतालों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई, एपीएस हॉस्पिटल को किया गया सील, जांच में एपीएस हॉस्पिटल पाया गया है गैर पंजीकृत। बीते दिनों ऑपरेशन के बाद प्रसूता की हुई थी मौत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिए थे जांच के आदेश। एवीएस क्लिनिक, न्यू कृष्ण हॉस्पिटल, न्यू मॉडर्न हॉस्पिटल, शहर कोतवाली के आवास विकास, फरुखाबाद में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। संवाददाता सुंदरम इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदरम, क्या कुछ पूरा मामला है और जिसके चलते इन अस्पतालों को सील किया गया है? जी, बताना चाहूंगा कि जो डीएम संजय कुमार सिंह के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि अवैध अस्पतालों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाए और एपीएस हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई, उसको सील किया गया। आपको बताना चाहेंगे, ये वही एपीएस हॉस्पिटल है जिसमें बीते दिनों एक प्रसूता की ऑपरेशन के बाद मौत हो जाती है और वहां पर जमकर हंगामा भी होता है। और जब प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था तो उस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के भी आदेश दिए थे, जिसके बाद वहां पर आज डीएम संजय कुमार सिंह के निर्देशन पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। एपीएस हॉस्पिटल के किसी भी प्रकार के मानक के पूर्ण कागज नहीं मिले और वो गैर पंजीकृत पाया गया, तो इसके चलते उसे सील करने कार्रवाई हुई है। एवं जो अन्य हॉस्पिटल है, न्यू कृष्णा हॉस्पिटल हो गया, न्यू मॉडर्न हॉस्पिटल हो गया, एवं जो अन्य एबीएस क्लिनिक है, इनको वहां पर पंजीकृत तो है लेकिन इनके मानक पूर्ण नहीं है, इसको लेकर वहां पर इन्हें नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि डीएम संजय कुमार सिंह ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार के अवैध व जो गैर मानक के अस्पताल है उनको किसी प्रकार से नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एवं जो हॉस्पिटल मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।